मैं हूँ आपका दोस्त यादव कैमरामैन बदले हमदा। आपको आप देख रहे हैं ZH कम्युनिकेशन ZH कॉम छोटी फॉर्म में जिया कॉम। आज हम आपको अपने जो सेटअप है उसके बारे में हम आपको आज दिखाएंगे सारा। आज अपने सेटअप में जैसे हम आपको रोज़ एक एक वीडियो एक एक चीज पिंच पे वीडियो देते हैं, आज ना कुछ हम चीज़ों पर आज आपको हम वीडियो देंगे। आए आज हमारे साथ हमारे फादर भी हैं जो हमें गाइड करेंगे। आज आए हम न्यूज से आपको मिलाते हैं के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपको इन्फॉर्म करेंगे डब्स के बारे में, जिसका असल नेम डायमंड डब है और इसको हरूफ आम में पाकिस्तान में चाइना डब भी बोलते हैं। और इसकी सब मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। इसमें सादी डब होती है जो कि इसका ओरिजिनल एक कलर है डब का। इसके साथ इसमें सिल्वर डब होती है, ब्लू डब होती है और इसी तरह ब्लू पाइड होती है, कॉमन पाइड होती है, ब्लू पाइड होती है, सिल्वर पाइड होती है, रेड पाइड होती है। और इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं और मुख्तलिफ इनका जो है क्या नाम है रहने का सेटअप तो इनका तकरीबन सबका एक जैसा है, मगर इनके कलर के हिसाब से इनकी वैल्यू है। इसमें जो सादी डब है वो सस्ती होती है और सादी ब्लू इनका रेट एक ही होता है और इसमें जो सिल्वर है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी तरह जो कॉमन पाइड है उसका रेट थोड़ा कम होता है और रेड पाइड है, रेड पाइड में उसका रेट आजकल काफ़ी ज़्यादा है और सिल्वर पाइड तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉमन डब कौन सी है और पाइड डब कौन सी है। आए मेरे साथ देखें ज़रा, आप इधर आए, आप इधर आए तो ये देखें, ये कॉमन डब है, ये अंडों पे बैठी हुई है। ये इसकी जो है फीमेल नीचे है, मेल इसका अंडों के ऊपर है, ये कॉमन डब है। अब इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर डब, ये देखें, ये सिल्वर डब है, ये सिल्वर डब है, इसके बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है, वो मेल अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, ये सिल्वर डब है। इसी तरीके से आप आ जाएं, ये पाइड डब है, ये पाइड डब है, ठीक है, इसको कॉमन पाइड डब कहते हैं। ये फीमेल है, मेल उसका सामने आप देख सकते हैं स्टिक पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से ये साथ, ये भी पाइड डब है, मगर ये ज़रा बहुत फाइन क्वालिटी है क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा वाइटनेस होती है उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बनती है, उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो मेरे पास पेयर है, हमारे पास ये तकरीबन 90% वाइट है और इसमें जो है एक दो स्पॉट तीन स्पॉट ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी जो है उसकी तरफ, ब्रीडिंग की तरफ। तो ब्रीडिंग ये गर्मी के सीज़न में ब्रीड करती है, दो अंडे देती है, दो अंडे हैच करती है, दो इसके बच्चे निकलते हैं और ये तकरीबन एक क्लच में यानी कि एक सीज़न में 4 से 5 दफ़ा जो है वो बच्चे निकाल लेती है और रेगुलर ब्रीड करती है और बहुत ही इजीली और आसान ब्रीडर है। और सर्दी में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होती है मगर गर्मी को ये बहुत ज़्यादा लाइक करती है। गर्मी में भी ये आप अगर जो इसको धूप में रखें तो ये धूप सेक रही होगी, गर्मी को ये पसंद करती है। डाइट के हवाले से इसकी बात करते हैं तो डाइट जो है इसकी ये जो सीड मिक्स है जिसको बजरी सीड मिक्स कहते हैं या लपट सीड मिक्स कहते हैं वो दाना खाती है और बहुत से लोग जो हैं खाली बाजरे पे भी इसको पाल लेते हैं। अमूमन लोगों ने ये इसलिए रखी होती है कि बड़े तोतों की आदत होती है, जिस तरह उन्होंने लपट रखा हुआ है, जिस तरह ग्रे पैरट रखा हुआ है, कनौर रखे हुए हैं, गजीला रखे हुए हैं, तो उनकी आदत होती है कि वो बाजरे को या दाने को सारा नहीं खाते, कुछ खाते हैं, कुछ को फेंक देते हैं यानी कि तोड़ के छोड़ देते हैं, वो दाना ज़ाया होता है। तो लोग करते क्या है कि जो समझदार है वो डब के पेड़ पाल लेते हैं और वो जो बाजरा है वो जो दाना है वो ज़ाया करने के बजाय इनको डाल देते हैं। और ये ऐसी हैं
कि इनको जो भी आप जिस भी किस्म का दाना डाल दोगे, खाली बाजरा डाल दोगे, ये खाली बाजरे पे भी पल जाएंगी। और अगर जो इनको सीड मिक्स टोटे की सूरत में या तोड़ा हुआ या छोड़े हुए की सूरत में डाल दोगे तो ये उससे भी पल जाती हैं। सबका भी ये खाना पसंद करती हैं मगर ज़्यादा तादाद में नहीं। इसके अलावा इनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उबला हुआ अंडा ये शौक से खाती हैं, जब बच्चे वगैरह इनके निकले होते हैं तो उनको फीड करवाने के लिए एज ए प्रोटीन और एज ए सॉफ्ट फूड इनको हम रोज़ाना बॉयल एग देते हैं। और ये एक अगर जो हॉबी एक बेहतरीन हॉबी है, इसमें वैरायटीज भी हैं, एक बेहतरीन हॉबी है अगर जो आप इख्तियार करना चाहें। और एक ये एक अच्छा बिजनेस भी है अगर जो कोई व्यूअर्स हैं, कोई ऐसे भाई हैं, स्टूडेंट हैं कि जो इसको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फीस वगैरह कवर करने के लिए, अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, तो ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका जो कॉमन का पेयर है वो 2,000-2,500-3,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली मतलब उसका रेट चल रहा है तो वो मिल जाता है। और पाइड का जो है पेयर 25,000-30,000 रुपये का है। इसी तरह रेड का जो है वो इससे तकरीबन 200% प्लस उसकी प्राइस है। सिल्वर तो इस वक्त 100 रुपये से ऊपर का पेयर है, मगर जो है आप कॉमन और फाइल से अपना शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका केज की बात करें साइज़ की, तो ये 2x2 के केज में, 1.5x2 के केज में आसानी से रह लेती है। और ये इतनी शरीफ होती है कि आप देख रहे हो कि हमने जो है उसमें बंगलाइज भी छोड़ी हुई है साथ में। ये इसकी जो है सिंगिंग का तरीका है, जैसे ये मोर की तरह सिंगिंग करती है, वो देखें आप देखें वो मोर की तरह सिंगिंग कर रही है। हाँ, ये बहुत प्यारी लगती है बोलते हुए। तो केज ये 2x2 1.5x2 के केज में आसानी से रह लेती है और शरीफ बर्ड है। तो लिहाजा मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप शौक के लिए भी रख सकती हैं, आप कारोबार के लिए भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर जो किसी को कोई मज़ीद इसके बारे में मालूम लेनी हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, तो हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे और मुकम्मल इसके बारे में इंफॉर्म करेंगे बीमारियों के बारे में। और तकरीबन ये 6 माह के बर्ड जो है वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों आपको कैसा लगा, आज हमने आपको डब के बारे में आज सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। हमने आपको पहले वीडियो में आपको डब दिखा दी थी मगर आज हमने आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, टोटली सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पापा ने दे दी है। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। गाइस ऐसे हैं मेरे पापा आपको और मालूमात देते रहेंगे इसी के बारे में, जो अगर हम कोई और कहें इसके बाद हमने एग्जीबिशन की भी मालूमात अपने पापा से लेनी है, उसके बाद जो जो है सारी की मालूमात लेते चलेंगे। इसी के हम अपने 14 लोगों को एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।